तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3, तो मूल अधिकारों के संबंध में अध्याय 3 में बताया गया, भाग 3 में बताया गया। तो उसी की तरफ देख रहे थे अनुच्छेद 21, जो प्राणिक स्वतंत्रता से संरक्षण के बारे में बताता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और उसके शरीर या उसके प्राण और उसके देहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसी के संबंध में हम लोगों ने विभिन्न केस लॉ के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया था, जिसमें हमने जाना था कि कैसे न्यायपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए या अपनी जो जुडिशियल एक्टिविटी होती है न्यायिक सक्रियता का प्रयोग करते हुए और लोकहितवादों के माध्यम से विभिन्न जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी उसको दूर करते हुए विभिन्न जो अधिकार जो विभिन्न जो कार्य थे उनको क्या एक अधिकार के तौर पे हमारे अनुच्छेद 21 में शामिल किया। तो उसके संबंध में हमने कई सारी चीजों को देखा था कि हार पाने का अधिकार, आपको सोने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, मरने का अधिकार शामिल नहीं है, प्रदूषण मुक्त जलवायु, जल और वायु के उपभोग का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण, जिसमें एमसी मेहता बना एमसी मेहता एक बहुत बड़े पर्यावरणविद है जो इन सारे मामलों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उठाए और उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो हमारे आज के समय में जो अधिनियम है उनमें संशोधन किया गया और विभिन्न सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के द्वारा कई प्रकार के पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी के साथ साथ पोल्यूटर पे प्रिंसिपल जैसी चीजें भी हमारे पास लाई गई। तो आज हम लोग इसी में कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो अनुच्छेद 21 है उसका विस्तार महिलाओं के प्रति किन क्षेत्रों में हुआ है। तो एक कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया था कि जो कामकाजी महिलाएं होती है उनका जो कामकाज के दौरान या फिर उनके जो प्रतिष्ठान या संस्था होती है जहां पे वो कार्यरत होते हैं तो उनको उनके ऊपर होने वाले यौन उत्पीड़न से उसको संरक्षण देने के लिए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का मामला था। तो इसमें इसके लिए विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए थे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में, और इन दिशा निर्देशों के आधार पे ही आज के समय में जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाव या प्रतिषेध अधिनियम 2013 को लागू किया गया था। तो जो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में क्या था, इसमें 3 न्यायाधीशों की पीठ ने जो अपनी कामकाजी महिलाएं होती है उनके प्रति काम के स्थान पे होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जब तक कि इस प्रयोजन के लिए यह विधान नहीं बन जाता विस्तृत मार्गदर्शन विहित किए थे। तो इस विशाखा के केस में जो कामकाजी महिलाएं होते हैं तो उनको उनके संस्थानों में यौन उत्पीड़न से रोकने के लिए जब तक कोई एक्ट नहीं बन जाता, तो ये एक्ट बना 2013 में, तो उसके पूर्व तक जो भी चीजें थी यदि किसी महिला के साथ जो कामकाजी महिला है उसके साथ कार्यस्थल पर अगर यौन उत्पीड़न होता है तो उसके लिए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के निर्णयों में मार्गदर्शक गाइडलाइंस दिए गए थे, मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए थे जिनके अनुबंधों के अनुसार उनको संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो देखिए कि इसमें क्या है कि जो भी न्यायालय ने इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू करने के लिए यह बात कही थी कि जो प्रत्येक नियोक्ता होता है अर्थात जो आपको कोई व्यक्ति जो रोजगार देता है या कोई संस्था जो रोजगार देती है तो यह कर्तव्य है कि वो अपने काम के स्थान या अन्य स्थानों में चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो तो उसमें जो श्रमजीवी महिलाएं होती है या फिर जो कामकाजी महिलाएं होती है कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित उपाय करें। इस मामले में महिलाओं के अनुच्छेद, क्योंकि यदि किसी महिला का अगर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी चीजें अगर उसके साथ घटती है तो ये सीधा सीधा क्या है जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 19 21 में जो उनको प्रदत्त जो मूल अधिकार है, 14 जो कहता है समता का अधिकार, 19 जो कहता है स्वतंत्रता वाकई और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जिसके तहत उनको 1G के तहत कारोबार वृत्ति और जीविका अपनाने का स्वतंत्रता प्रदान करेगी, 21 उनको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये जो तीनों अधिकार है 14 19 और 21 इन तीनों का उल्लंघन होता है यदि किसी कामकाजी महिला का उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो। इसी के लिए जो आपका राजस्थान में जो विशाखा नाम की एक एनजीओ थी या गैर सरकारी संस्था थी उसने PIL दायर किया था और उसने अपनी याचिका या के माध्यम से
राजस्थान राज्य में एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता के साथ जो सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी उसके उसके खिलाफ उन्होंने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। तो इसके में जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जारी किया तो उसके बारे में कुछ ध्यान देते हैं कि इनमें कहा गया कि सभी नियोक्ता एवं अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान में प्रभारी हैं, चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र में हो या पब्लिक क्षेत्र में, अपने सामान्य दायित्व के होते हुए महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। तो जो भी प्रभारी होंगे किसी संस्थान में तो उनका ये कार्य है कि वह वहां पे कार्यरत जितने भी महिलाएं हैं उनको यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करे, अर्थात उनको यौन उत्पीड़न होने से उनको रोके, उनको बचाए, उनके लिए उपयोग करे। अब ये जो यौन उत्पीड़न होता है उनमें किन बातों को शामिल किया गया, तो इसमें जो गाइडलाइंस दी गई थी इसमें बताया गया कि यौन उत्पीड़न किन चीजों से हो सकता है। उसमें बताया कि यौन उत्पीड़न पर अभिव्यक्त रोक लगाना निम्न बातें शामिल, शारीरिक संबंध और प्रस्ताव, इसके लिए आगे बढ़ना, यौन संबंधों के लिए मांग या प्रार्थना करना, यौन संबंधी छींटाकशी करना, अश्लील साहित्य या अन्य कोई शारीरिक या मौखिक या यौन संबंधी मौन आचरण को दिखाना। फिर उसने कहा कि जो भी यदि किसी महिलाओं को काम, आराम, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित समुचित परिस्थितियों का प्रावधान होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं को काम के स्थान में कोई विद्वेषपूर्ण वातावरण ना हो, ना उनके मन में ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि नियोजन आदि के मामले में अलाभकारी स्थिति में है। तो ये जो न्यायालय ने इसके लिए कहा कि जो गाइडलाइन है इसकी गाइडलाइन तो बहुत विस्तृत है, जिसके बारे में अधिनियम आपका 2013 एक पारित कर दिया गया है। तो न्यायालय ने इसके लिए कहा कि किसी वृत्ति, व्यापार या पेशे के चलाने के लिए सुरक्षित काम का वातावरण होना चाहिए। प्राण के अधिकार का तात्पर्य मानव गरिमा से जीवन जीना, ऐसी सुरक्षा और गरिमा की सुरक्षा को समुचित कानूनों द्वारा सुनिश्चित कराने तथा लागू कराने का प्रमुख दायित्व विधानमंडल और कार्यपालिका। किंतु जब कभी न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के अधीन महिलाओं की यौन उत्पीड़न का मामला लाया जाता है तो उनके मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करना, जब तक कि समुचित विधान नहीं बनाए जाते, उच्चतम न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है। तो ये जो गाइडलाइन आई थी आपकी 1997, उसी के बाद एक दूसरा एक केस आया अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए के चोपड़ा का। यहाँ पे ए के बनाम ए के चोपड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो इस जो अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए के चोपड़ा 1999 था, तो इसमें जो विशाखा के जो जजमेंट आई थी या जो निर्णय आया थी या जो मार्गदर्शन सिद्धांत लागू किए गए थे उन्हें के आधार पे इस मामले को देखा गया था। इसमें हुआ क्या था कि जो अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कंपनी थी या जो संस्था थी, इसमें एक जो महिला कर्मचारी थी जो वहां क्लर्क के तौर पे और टाइपिस्ट के क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पर थी, तो उसके साथ वहां के एक अधिकारी ने यौन दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी या फिर उसके साथ एक प्रकार से उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, जिसके लिए उसने कई जो हथकंडे अपनाए थे। और यह जब मामला जांच अधिकारियों के समक्ष पहुंचा तो जांच अधिकारी ने उनको सही माना और साथ ही साथ उसके लिए उस जो व्यक्ति था, जो अधिकारी था, उसको उसके कार्य से विमुक्त कर दिया गया और हटा दिया गया। फिर जो आपका पुलिस उप निरीक्षक उप महानिरीक्षक बनाम एस समुथी राम का मामला था 2013 का, तो इस पे ये निर्धारित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा एवं सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार है। यौन उत्पीड़न जैसे महिलाओं के छेड़छाड़ अनुच्छेद 14 तथा 15 के अधीन गारंटी दिए गए अधिनियम के अतिलंघन के तुल्य है, क्योंकि यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं घटती है तो जो समता का अधिकार के तहत जो अनुच्छेद 14 कहता है उसका उल्लंघन होता है। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 15 जो भेदभाव को दूर करने का प्रयास करता है, जो लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, उसका भी ये उल्लंघन करता है। तो महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए प्रभावी विधायक की अनुपस्थिति, जब तक इन छेड़छाड़ों से संबंधित कोई हमारे पास विधान नहीं थे, तो जो भी इससे संबंधित जितने भी परिवाद भारतीय दंड संहिता के धारा के तहत धारा 294 और 509 के अधीन पंजीकृत की जाती है। न्यायालय ने दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए उपयुक्त विधायन बनाने के पूर्व लोकहित में अनुगमित निर्देश दिए जाने आवश्यक होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो मामला था ये आपका था कि वो जो विशाखा का मामला था वो था कि आपका कामकाजी क्षेत्र में जो काम
काजी महिला हैं उनके यौन उत्पीड़न से संबंधित था। जबकि जो आपको पुलिस उप महानिरीक्षक बनाम एस समुथी राम 2013 का मामला था, यह मामला संपूर्ण महिला वर्ग के लिए था जो कहीं भी आती जाती या रहती है उनके लिए था। तो इसमें उन्होंने जो निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारें तथा संघ क्षेत्र बस अड्डों, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, सिनेमा थिएटर, शॉपिंग मॉल, पार्क, समुद्री किनारा, लोक सेवा गाड़ियों, पूजा के स्थान आदि पर सादे वस्त्रों में महिला पुलिस अधिकारी को लगाए, जिससे कि वो महिलाओं से छेड़छाड़ को मॉनिटर तथा परिरक्षण कर सके। राज्य सरकार तथा संघ क्षेत्र सभी ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जो स्वयं भय उत्पादक हो तथा और यदि पता लगाया गया तो अपराधी पकड़ा जा सकेगा। फिर शिक्षा संस्थानों, पूजा के स्थान, सिनेमा थिएटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों के प्रभारी अपने परिसर के अंदर महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए वे उपाय करेंगे जो वे उचित समझे, और परिवाद किए जाने पर भी निकटतम पुलिस स्टेशन या महिला सहायता केंद्र को सूचना अवश्य भेजेंगे। फिर बोला कि यदि एक लोक सेवक गाड़ी में यात्रियों द्वारा, गाड़ी के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ की कोई घटना की जाती है तो क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर ऐसी गाड़ी का कर्मी दल गाड़ी को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाएगा तथा पुलिस को सूचना देगा। इसे इसे करने में विफलता से गाड़ी चलाने के परमिट को निरस्त कर दिया जाएगा। राज्य सरकार तथा संघ क्षेत्र विभिन्न नगरों कस्बों में महिला हेल्पलाइन स्थापित करेगी, जिससे कि 3 माह के अंदर महिलाओं से छेड़छाड़ रोकी जा सके। तो जितने भी सार्वजनिक स्थान होते हैं जहां पे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है महिलाओं के साथ, तो उन स्थानों पे एक क्या सावधानी पूर्व सतर्कता पूर्ण उपाय के बारे में बताया गया। और इसी केस के माध्यम से जब आगे आप देखते हैं कि आज के समय में विभिन्न जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहां पे पर्याप्त रूप से ये उपायों को अपनाया गया है। बस में महिला हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, किसी भी परिस्थितियों में आप इस नंबर पर कॉल कीजिए लिखा होता है। हर बस हर जो संस्थाएं होती है वहां पे महिलाओं के लिए विशेष तौर पे सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए जाते हैं कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो ये कहीं ना कहीं उनके क्या है, अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत ये जो भी जो एक मूल अधिकार उनको प्रदान किए गए उनको संरक्षित रखने के लिए इन उपायों को अपनाया गया है। फिर उसी तरह जो मेघा कोतवाल लेले बनाम भारत सन 2013 का मामला था, इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने कार के स्थान में महिला यौन उत्पीड़न से पीड़ित बनी उत्पीड़न से पीड़ित थी एक महिला, उसके मामले में ये केस था। तो महिला कर्मी अपने उत्पीड़न के लिए विधिक और विधि के स्तर ढंग से अपमानित तथा अमर्यादित हो रही थी। यौन उत्पीड़न के कुछ मामले को सामने लाते हुए मुख्य केंद्र बिंदु विशाखा के मामले में दिए गए निर्देशों के प्रभावी ढंग से लागू करने के अभाव था। तो उच्चतम न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा न्यायाधीश RM लोढ़ा के माध्यम से निम्नलिखित तो निर्देश तब तक के लिए दिए जब तक किसके जगह पर विधायी अधिनियम ना हो जाए। तो क्या हुआ कि देखिए जो विशाखा वाला जो मामला था इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन उन दिशा निर्देशों का अनुपालन ठीक तरह से नहीं हो पाया था। फिर ये जो अप्रैल वाले केस में इसको पारित किया गया था कि इसके दिशा निर्देशों को पारित, फिर जो पुलिस उप महानिदेशक वाले केस में हमने देखा कि सार्वजनिक स्थानों के संबंधित जो भी है कि जहाँ पे महिलाओं के अप्रिय घटना घट सके उनके लिए उपायों की बात कही गई थी, तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को के द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं लागू हो गई थी, लेकिन जो विशाखा के द्वारा जो दिशा निर्देश थे उनके लिए पर्याप्त रूप से कोई विधायन नहीं था। तो यही मामला मेघा कोतवाल वाले मामले में उठाया गया कि जो विशाखा के मामले में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका सही रूप से अनुपालन नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए तब तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नए दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि राज्य सेवा संघ है जिन्हें अभी तक अपने सिविल सेवा नियमों में यथायोग तथा समुचित संशोधन नहीं किए हैं वे 2 महीने के अंदर इसे करेंगे, जिससे यह प्रावधानित किया जाए कि परिवाद समिति की रिपोर्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच रिपोर्ट मानी जाएगी, अर्थात कर्मचारी के दुराचरण की जांच का निष्कर्ष माना जाएगा। जिन राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में औद्योगिक नियोजन नियमों में अभी तक संशोधन नहीं किए हैं वे उसी प्रकार के संशोधन 2 महीने में करेंगे। फिर इसी तरह भारतीय विधिक वर्ग परिषद अर्थात बार काउंसिल सुनिश्चित करेगी कि देश के सभी अधिवक्ता संघ तथा राज्य विधि परिषद में पंजीकृत सभी व्यक्ति विशाखा मार्ग निर्देशिका का अनुसरण करेंगे। तो जितने भी बार काउंसिल और बार एसोसिएट्स हैं और जितने भी स्टेट बार काउंसिल और उसके जो एसोसिएट्स हैं वो क्या करेंगे कि जो विशाखा वाले केस की जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलोअप करेगा
और इसी के तहत जितने भी भारत में जो संस्थाएं हैं, जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद, वास्तुकला परिषद, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था, कंपनी सेक्रेटरी संस्था और अन्य जो संवैधिक संस्थाएं हैं, वह सुनिश्चित करे कि उनसे रजिस्टर्ड संबंधित संगठन या निकाय या संस्थाएं और व्यक्ति जो विशाखा में जो गाइडलाइन प्रतिपादित किए गए थे, जो मार्ग निर्देशिकाओं का जो बताए गए थे, उनका अनुसरण करेगी और उनसे यह अभिप्रेत करने के लिए कि यह सभी संवैधानिक निकाय 2 मास के अंतर्गत आवश्यक निर्देश परिपत्र सर्कुलर जारी करेगी और इसके मामले में जो भी परिवाद मिलेगा उस पर इन दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य को करेगी। तो इन केस के माध्यम से हमने समझा कि जो कामकाजी महिलाओं की यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय ने कितने व्यापक कदम उठाए और उसी के साथ फिर उनके दिशा निर्देशों के आधार पर ही हमारे पास कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए महिला यौन उत्पीड़न प्रतिषेध और निवारण अधिनियम 2013 को लागू किया गया, जो अब तक अभी भी वर्तमान में वो कार्यरत है। फिर हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है या संरक्षण प्रदान किया गया है, तो उसके साथ क्या है कि क्या हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी आपको इसके लिए संरक्षण प्रदान किया जा सकता है? तो इसका एक मामला था आपका प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन का, जो आपका 1980 का था। इसमें पंजाब पुलिस रूल्स के कुछ प्रावधानों की विधि मान्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पंजाब जो पुलिस रूल्स है उसमें कुछ जो प्रावधान थे या प्रोविजन थे, तो उसकी जो विधि मान्यता थी उसकी इन आधार पर चुनौती दी गई थी कि वो अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण करते हैं और वे इस आधार पर वो क्या है, असंवैधानिक। तो न्यायाधिपति जो कृष्णा अय्यर थे ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए यह निर्धारित किया कि वह जो उपबंध है जो पंजाब पुलिस रूल्स के तहत अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण करते हैं अतः वे असंवैधानिक है। उक्त नियम के अधीन प्रत्येक कैदी को जेल से न्यायालय लाते हुए हथकड़ी लगाकर लाने का उपबंध था। क्या था इसमें कि इस अधिनियम पुलिस रूल्स के तहत कि जो भी कैदी होगा उसको जब जेल से न्यायालय की तरफ लाया जाएगा उसके सुनवाई के लिए, तो उसको हथकड़ी लगाकर लाने का उपबंध था। न्यायालय ने निर्णय दिया हथकड़ी या हैंड कफिंग का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कैदी पुलिस अभिरक्षा से भागने का स्पष्ट और वर्तमान खतरा हो, अर्थात क्लियर और प्रेजेंट डेंजर ये विद्यमान हो कि यदि उसको लगे कि कोई कैदी अब भाग सकता है और ऐसा खतरा उसको समझ आए तभी वह हथकड़ी का प्रयोग किए, नहीं तो वह साधारण तौर से साधारण रूप से वो किसी भी व्यक्ति को ला सकता है जिसमें हथकड़ी लगाना अति आवश्यक नहीं है। और यदि वह हथकड़ी का प्रयोग करता है तो उसके पीछे के आवश्यक कारणों को बताएगा और यदि वो बिना कारणों के भी अगर किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाता है, यदि वो भागने का खतरा नहीं है, तो उसका कार्य अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुरूप अवैध हो जाएगा। इसी में एक और एक न्यूज छपी थी जो आपकी द हिंदुस्तान टाइम 2024 में 1990 में, उसमें एक मामले में इसी तरह हुआ था कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन अलीगंज लखनऊ के कांस्टेबल ने 12 वर्ष के बालक को हथकड़ी लगा दिया, क्योंकि न्यायालय ने आपका 1980 में निर्णय दे दिया था कि हथकड़ी लगाना एक जुर्म है, तो उसने 12 वर्ष के एक बालक को हथकड़ी लगा दी, तो उसको दंड स्वरूप क्या है, कांस्टेबल के वेतन से 2,000 रुपए की कटौती का आदेश दिया गया। फिर उसी तरह देखते हैं कि अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, तो अमानवीय व्यवहार तो ये भी आपका क्या है, कैदियों से संबंधित है, कैदियों के संरक्षण के कैदियों के अधिकारों से संबंधित है कि कैदियों के साथ जो भी अब कारावास में जो अपनी सजा काट रहा है या फिर कारावासित है तो उसके साथ अब उसने वह दोषी तो है लेकिन अब उसके साथ अब ऐसा तो नहीं कि आप अमानवीय व्यवहार करें, उसके जानवरों जैसा सलूक करें, तो उस अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध भी संरक्षण की बात अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्रदान की गई है। तो यह मामला था किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य का 1981 का। इसके मामले में क्या हुआ कि जो राजस्थान कारागार अधिनियम और राजस्थान कारागार नियम की विधि मान्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण करती है। तो राजस्थान जो कारागार अधिनियम और राजस्थान कारागार नियम जो थे वह क्या थे, वह ये थे कि कैदियों को तुच्छ आधारों पर एकांतवास और हथकड़ी लगाने की शक्ति प्राधिकारियों को प्राप्त थी,
यदि कोई कैदी सूक्ष्म अर्थात छोटी मोटी गलतियां करे या भूल करे, तो उन आधारों पर भी क्या था कि वहां का जो पहरी या वहां का जो प्राधिकारी था वह उनको एकांतवास और हथकड़ी लगाने की शक्ति उनको प्राप्त थी। तो इसके तहत क्या करते हैं उन लोग, एक कैदी को जो क्या कर जो जेल से लाते समय अर्थात उसको जेल से न्यायालय ले जाते समय वह एक प्रकार की कुछ मस्तियां करता है, अर्थात वो थोड़ी बहुत इधर उधर की मटरगश्ती करता है, और जब उसको जेल में ले आया जाता है तो उसको जेल में लाने के बाद क्या होता है कि जो पुलिस वाले होते हैं उसको बेदम उसकी पिटाई करते हैं, साथ ही साथ उसको जेल में भी उसको एकांतवास में डाल देते हैं, जबकि उसकी सजाओं में कहीं भी एकांतवास का जिक्र नहीं होता है, और उस एकांतवास में भी उसको हथकड़ी लगा देते हैं। तो यह जो व्यवहार होता है कारागार के अधिकारियों का, यह पूरी तरह अमानवीय होता है, साथ ही साथ ये असभ्य व्यवहार माना जाता है। तो इसी में कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि आप कभी भी किसी कैदी के साथ भी इस किसी तुच्छ कार्यों के लिए, तुच्छ कार्य अर्थात अगर वह किसी प्रकार की छोटी मोटी जो अनुसार छोटी मोटी जो गलतियां करता है उसके लिए आप किसी को इतनी अमानवीय सजा नहीं दे सकते। तो इसके लिए इसके तहत अमानवीय व्यवहारों के विरुद्ध संरक्षण हमको अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। फिर आपने एक बहुत ही एक मामला सुना होगा कस्टोडियल डेथ के संबंध में, कि कस्टोडियल डेथ क्या होता है आपका, या पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु जिसको बोला जाता है, कि पुलिस अभिरक्षा में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके कारणों के बारे में हमें यदि कोई जानकारी ना हो अनिश्चित कारणों से, ठीक है, तो ऐसे मामलों को क्या बोला जाता है, कस्टोडियल डेथ कहा जाता है, कि किसी पुलिस की अभिरक्षा अर्थात कस्टडी में होने वाली मृत्यु को कस्टोडियल डेथ की संज्ञा दी जाती है। तो इसके लिए विभिन्न मामले थे, तो नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 के मामले में मैंने निर्धारित किया कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। यदि पुलिस अभिरक्षा या जेल में उसके मूल अधिकारों का राज्य उसके सेवक द्वारा उल्लंघन होता है तो राज्य के ऐसे नागरिक को प्रतिकार देना होगा। इस जो यह मामला था नीलवती बोहरा का, इसमें जो मृतक था वह एक 22 वर्ष का व्यक्ति था जिसने पुलिस द्वारा किसी अपराध की जांच के संबंध में दिसंबर को शाम 8 बजे गिरफ्तार किया गया और थाने में बंद कर दिया गया। हथकड़ी लगी हुई थी, पुलिस का एक कांस्टेबल रात में पहरे पर था और 2 दिसंबर को उसकी हथकड़ी लगी हुई लाश जिस पर अनेक चोटें की थी रेलवे लाइन के किनारे पड़ी हुई पाई गई। मृतक की मां ने न्यायालय को पत्र द्वारा पुलिस अभिरक्षा में अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना दी और नुकसानी की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने उसके पत्र को रिट मानकर पूरे मामले में डॉक्टरी जांच कराई और उसने यह पाया कि मृतक की मृत्यु पुलिस के मारने पीटने से हुई, अतः उसकी मां को मृतक की उम्र और 1200 से 1500 रुपए की आय को ध्यान में रखते हुए 1,50,000 रुपए तक का प्रतिकार दिलाया जाए। तो यदि किसी पुलिस अभिरक्षा में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मामले उसमें क्या है, अगर यदि यह चीजें समझ आ जाए कि पुलिस अभिरक्षा में किन व्यक्तियों की दोष किन व्यक्तियों ने मृत्यु को कारित किया था या किन पुलिस अधिकारियों का दोष है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग थी। यदि अगर ये चीजें नहीं पता चलती है तो पुलिस के तरफ से या राज्य के तरफ से या प्रतिकार के तौर पे उस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हुई है जिसके इन अधिकारों का जिनके विरुद्ध यह कदम उठाए गए उनको दिया जाने की बात इस मामले में कही गई थी। फिर उसी तरह जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 का मामला था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने जांच के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए ताकि व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी से संरचना की जा सके। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के सहभागी होने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि उसे गिरफ्तार करने का युक्तियुक्त औचित्य है। न्यायालय ने इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत विहित किए थे कि आपने जो कभी भी अगर कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो उसकी गिरफ्तारी वैधानिक होनी चाहिए। अवैध गिरफ्तारी के संबंध में ये बातें थी कि अवैध गिरफ्तारी को इसमें प्रतिषेध किया गया था। तो इस मामले में क्या था कि जो सिद्धांत बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है और वह प्रार्थना करता है कि उसको किसी ऐसे मित्र संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति जिसे वह जानता है या जिसके कल्याण में हित हो सकता है उसकी गिरफ्तारी तथा उसके स्थान की जहां वह निरुद्ध है उसकी यथासंभव सूचना दे।
अर्थात जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है यदि वह प्रार्थना करता है तो वह उसके जो भी संबंधी हैं उनको इसकी गिरफ्तारी की जानकारी उनको दी जानी चाहिए। और पुलिस अधिकारी यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ला करके थाने लाता है तो उसको वह बताएगा कि उसको उक्त वह अधिकार प्राप्त है कि किस कार्य के लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस डायरी में उस बात की प्रविष्टि की जाएगी कि इस संबंध में किस व्यक्ति को सूचित किया गया था। तो गिरफ्तारी के संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं उसके नजदीकी जो भी रिश्तेदार या संबंधी होंगे उनको देना पुलिस का कर्तव्य होगा। और इन बातों के लिए क्यों बात है, क्योंकि जो अनुच्छेद 21 में प्राणदेह स्वतंत्रता दी गई है साथ ही साथ अनुच्छेद 22 में भी यही बातें निहित की गई है और इनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। फिर आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 का, यह बहुत ही ऐतिहासिक मामला था। तो उच्चतम न्यायालय ने किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या क्रूर या अमानवीय अपमानजनक व्यवहार, चाहे वह, ये देखिए आपका गिरफ्तारी से संबंधित मामला था कि कोई गिरफ्तार व्यक्ति है तो उसके साथ जितनी भी प्रक्रियाएं होती है तो उन प्रक्रियाओं के दौरान होने वाली जो उत्पीड़न थी या किसी प्रकार का अतिक्रमण था उनको वर्जित करने की बात कही थी। तो वो क्या था कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, चाहे वह जांच के दौरान, प्रश्न पूछने के दौरान या अन्य स्थान पर हो, अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है। तो यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति का आप अमानवीय व्यवहार करते हो उससे प्रश्न पूछने के हिसाब से या उसको थर्ड डिग्री देते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि पुलिस के अभिरक्षा में यदि किसी को मारा जाता है, उसको चोट कार्य की जाती है, तो वह क्या है, उसके अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है। तो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होना विधि शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में सबसे खराब अपराध है। तो ये जो कस्टोडियल डेथ होती है या पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की बात है तो ये मृत्यु अगर पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो विधि का शासन की जो परिकल्पना है या विधि के शासन द्वारा जो शासित सभ्य समाज है उसका ये सबसे खराब अपराध है। इससे खराब कुछ चीज हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति को हम पुलिस को क्या मानते हैं कि यह समाज के रक्षक है और यदि उस रक्षक के ही अंतर्गत अगर आपके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ा और दुष्कर कार्य क्या हो सकता है। तो न्यायालय ने केंद्र और राज्य की जांच और सुरक्षा एजेंसियों को सभी प्रकार के गिरफ्तारी और निरोध के मामले में अनुसरण करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका सिद्धांत विहित किए। और ये जो मामला था आपका डीके बसु, ये कहते इन्होंने एक पीआईएल फाइल किया था जो एक राजनीतिक संस्था के अध्यक्ष थे और इन्होंने इस लोकहित के माध्यम से न्यायालय के सामने ये कस्टोडियल डेथ की चीजों को सामने लाया था। तो इस मामले के संबंध में न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किए कि गिरफ्तार करने वाला या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी का पद नाम सही प्रकट और स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे सभी पुलिस अधिकारी का जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते हैं उनका विवरण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। तो जब भी कभी गिरफ्तार किसी कोई गिरफ्तार व्यक्ति है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति के ऊपर जो भी पुलिस अधिकारी कार्य कर रहा है उस व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी का नाम, उसका पद सही सही लिखा होना चाहिए और स्पष्ट लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ यदि वह पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करता है तो उसका विवरण विवरणिका रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। साथ ही साथ यदि अब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो उसकी गिरफ्तारी के समय पुलिसकर्मी के द्वारा एक मेमो बनाया जाएगा और उस मेमो में कम से कम दो साक्षियों का हस्ताक्षर होगा कि इसको की गिरफ्तारी के संबंध में दो साक्षियों का प्रामाणिक हस्ताक्षर होगा और वो जो गिरफ्तारी व्यक्ति के परिवार के होंगे या मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएंगे, अर्थात जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है तो उस व्यक्ति के संबंधित लोग ही होंगे जो उसको जानता हो और उनका उसमें मेमो में साइन किया जाएगा कि इस व्यक्ति की क्यों गिरफ्तारी की जा रही है। गिरफ्तारी के समय स्थान और अभिरक्षा के स्थान की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र को देंगे। यदि वह जिले से बाहर रहता है तो विधिक संस्था या उस क्षेत्र के पुलिस केंद्र के माध्यम से तार द्वारा गिरफ्तारी की सूचना 8 से 12 घंटे के भीतर देना आवश्यक होगा। फिर जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके अधिकारों की सूचना उस गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र दी जाएगी कि उसको क्या अधिकार है कि गिरफ्तारी की वह सूचना अपने संबंधियों को दे सकता है, वह अपने मनपसंद का वकील बुला सकता है। फिर निरोध के स्थान पर गिरफ्तारी की सूचना डायरी में दर्ज करनी होगी जिसमें उक्त मित्र के नाम का उल्लेख होगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी
और उस पुलिस कर्मचारी का नाम और विवरण का उल्लेख है जिसने अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। फिर जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके प्रार्थना पर उसकी जांच कराई जाएगी, अर्थात उसका मेडिकल उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी कि उसके शरीर में कोई चोट तो नहीं है या उसके शरीर की रूपरेखा कैसी है या शारीरिक स्वास्थ्य उसका कैसा है, उस आधार पर उसकी जांच कराई जाएगी। और वो कहाँ कराया जाएगा, जो भी प्रतिष्ठित डॉक्टर होगा उसके 48 घंटे में उसको करवाया जाएगा। फिर जितने भी दस्तावेज उस गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित होंगे उसकी प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएगी और उसकी सूचना भी भेजी जाएगी। तो जो भी गिरफ्तार व्यक्ति होगा उसकी पूछताछ के लिए उसके अधिवक्ता से मिलने दिया जाएगा। और प्रत्येक राज्य और जिले में हेडक्वार्टर्स में इसकी सूचना दी जाएगी किस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी और किस व्यक्ति की गिरफ्तारी किस कारण से की गई थी। तो ये जो डीके बसु का मामला था, इसके मामले के द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित आपके अधिकारों के संबंध में विस्तृत सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे जो अब हमारे दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा अपनाए जाते हैं। फिर एक और आपका देखते हैं कि आपके जो प्राण देह स्वतंत्रता के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का निषेध के बारे में, तो मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ का मामला था। इस मामले में सभी राज्य और संघ क्षेत्रों को यह निर्देश दिया गया कि वे, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया किनको, सभी राज्यों को और सभी संघ क्षेत्रों को, कि वे सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक यातायात के साधन जिसमें रेलगाड़ी आती है, जिसमें रेलगाड़ियां भी आती है साथ ही साथ बस और जो अन्य जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम, उनमें स्वास्थ्य संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, न्यायालयों, भवन, सरकारी कार्यालयों आदि में धूम्रपान करने पर रोक लगा दी। इस मामले में जो महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता मुरली देवरा ने एक जनहित याचिका के माध्यम से यह न्यायालय में प्रस्तुत किया था। और साथ ही साथ न्यायालय ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद के पुलिस शहर से सिगरेट निर्माताओं के विरुद्ध विज्ञापन के नियम के उल्लंघन किए जाने पर उठाए गए कदमों की रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया था। तो इसके तहत अब यह है कि सार्वजनिक स्थानों में कोई व्यक्ति का धूम्रपान करता है तो वह एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में जो प्रदत्त जो मूल अधिकार यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सम्यक विधिक प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति जो धूम्रपान करता है और एक व्यक्ति जो धूम्रपान नहीं करता, तो जो भी जो स्मोकिंग नहीं करता है और उसके सामने कोई स्मोकिंग करने वाला या सिगरेट पीने वाला व्यक्ति के द्वारा जो उसका धुआं होता है, वो जो अन्य व्यक्ति जो इसको कभी नहीं करता है उसके ऊपर भी ये प्रभाव डालता है या उसके शारीरिक तौर पे या उसके स्वास्थ्य पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो कहीं ना कहीं क्या है उसके अनुच्छेद 21 के तहत प्राण देह स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है या अतिक्रमण है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों में यह प्रतिबंध लगाया गया जो युक्तियुक्त है। तो आपने यह जो साइन देखा होगा कि इट इज एन ऑफेंस टू स्मोक ऑन दिस प्रेमिसेस, इस परिक्षेत्र में धूम्रपान करना निषेध है और यदि ऐसा किया जाता है तो ये आपको एक या एक अपराध के तौर पे माना जाएगा। तो अंतिम रूप में हम देखते हैं कि क्या अनुच्छेद 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है और जो मृत्यु दंड जो प्रदान किया गया है हमारे भारतीय दंड संहिता के द्वारा, कि इसकी युक्तियुक्तता पर और इसके बीच संबंध क्या है। यदि एक जैसे भारतीय संविधान है वह अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी आपको देता है, वही भारतीय दंड संहिता आपको मृत्यु दंड की बात कहता है। विभिन्न जो अपराध है जैसे हत्या, बलात्कार, राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, राजद्रोह जैसी चीजें, उन मामलों में क्या आपको देता है, मृत्यु दंड जैसी सजाओं का प्रावधान दिया गया। तो क्या किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी में जो गारंटी या संरक्षण जो प्रदान किया गया है तो उसमें क्या मृत्यु दंड जैसी चीजों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अगर अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के रूप बात करेंगे तो मृत्यु दंड क्या होगा आपका, असंवैधानिक हो जाएगा। क्योंकि आपको तो इसीलिए कई मामले उठे जिसमें जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का और बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला था। तो इस मामले में ये प्रश्न उठा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जो बताती है हत्या के लिए दंड के संबंध में, तो वह दंड जो है हत्या के लिए दंड की जो सजा है वो मृत्यु दंड निर्धारित की गई है। तो क्या धारा 302 के अधीन मृत्यु दंड संवैधानिक है, तो प्रत्यार्थी का यह तर्क था कि चूंकि मृत्यु दंड देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन तो युक्तियुक्त प्रक्रिया विहित नहीं है अथवा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, न्यायालय के 5 न्यायाधीश की पीठों ने यह निर्णय दिया
कि मृत्यु दंड से अनुच्छेद 14, 19, 21 का अतिक्रमण नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु दंड आजीवन कारावास में चुनाव करते समय न्यायालय विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसरण में कार्य करता है। तथ्य तथा अपराध की प्रकृति के आधार पर ऐसा किया जाता है। ठीक है, फिर वही बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से इस प्रश्न के काफी अरसे के चल रहे विवाद को समाप्त कर दिया और यह निर्धारित किया कि मृत्यु कैद करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19, 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) में उपखंड 3 में जो मृत्यु दंड दिए जाने की विहित प्रक्रिया अयुक्तियुक्त और अन्यायपूर्ण नहीं है और यह अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करती है। तो इससे क्या है कि जो मृत्यु दंड और अनुच्छेद 21 है, तो अनुच्छेद 21 की तरह आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, तो क्या मृत्यु दंड के माध्यम से उसको छीना जा सकता है? तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे जो शब्दावली दी गई है कि विहित प्रक्रिया, विधि द्वारा विहित प्रक्रिया, तो जो चीजें कारित की जाती है, जो मृत्यु दंड जैसी सजा दी जाती है, वो क्या है आपकी विधि द्वारा विहित प्रक्रियाएं हैं। और ये क्या है विधि द्वारा विहित प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि यह विभिन्न विधियों में बताया गया है और वह किसी अपराध के स्वरूप में दिया जाता है। और जो ये मामले थे, अगर इन मामलों में मृत्यु दंड या कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, जो बच्चन सिंह का मामला था और जगमोहन का मामला था, ये क्या थे, अत्यंत ही जंगम किस्म के मामले थे। वैसे ही मैंने आपको भारतीय दंड संहिता की चर्चा के दौरान हमने पढ़ा था कि जो आपका ये मच्छी सिंह का मामला था और चोपड़ा बच्चों की मौत के मामला था, तो जो आपका रंगा बिल्ला वाला मामला था, उन मामलों में क्या था कि जो अपराध की प्रकृति थी वो बहुत ही जघन्य थी, अत्यंत ही खतरनाक थी। तो वैसे मामलों में यदि मृत्यु दंड तक की जैसी सजाओं का अगर बरकरार नहीं रखा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं समाज में उन चीजों को के रोकथाम पे एक प्रकार से एक अवरोध उत्पन्न करेगी। तो अनुच्छेद 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी है वो विहित प्रक्रिया के द्वारा ली जा सकती है, तो मृत्यु दंड की जो सजा दी जाती है वो विहित प्रक्रिया के माध्यम से दी जाती है। फिर इसी में हम देखते हैं कि क्या जो मृत्यु दंड की सजा होती है वो रस्सी से फांसी देने के संबंध में है, क्या रस्सी से फांसी दिया जाता है वो मृत्यु दंड के तहत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता। तो दीना बनाम भारत संघ 1983 का मामला था, तो इसमें निर्धारित किया गया कि गले में रस्सी लगाकर मृत्यु दंड देना का तरीका संवैधानिक है और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के उपखंड 5 जो रस्सी लगाकर फांसी देने का प्रावधान करती है, अनुच्छेद 21 के यथागत युक्तियुक्त उचित और न्यायोचित प्रक्रिया विहित करती है अर्थात संवैधानिक है। ब्रिटेन के रॉयल कमीशन, भारत के स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टर जनरल, विधि आयोग की 35वीं रिपोर्ट, कारागार सलाहकार तथा फॉरेंसिक मेडिसिन के मत आदि का हवाला देते हुए यह निर्धारित किया कि गले में रस्सी लगाकर फांसी देने का तरीका अन्य तरीकों की अपेक्षा उत्तम और कम पीड़ादायक होता है। न्यायालय ने कहा कि बिजली के करंट द्वारा, गैस द्वारा, गोली मारकर या खतरनाक इंजेक्शन आदि से के तरीके रस्सी वाले तरीके से अच्छे नहीं है। तो जो रस्सी से फांसी देने का तरीका है वो आपका युक्तियुक्त है और यदि किसी अन्य तरीके से मृत्यु दंड की सजा का किया जाता है तो वो शायद वो असंवैधानिक हो सकता है, तो या वो युक्तियुक्त नहीं होगा। तो यह सारी बातें हमारी थी आपकी अनुच्छेद 21 से संबंधित, जो आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण प्रदान करती है। तो आज की बातें हम यहीं पर समाप्त करते हैं।